मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि अयोध्या के रघुकुल नंदन प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलते हुए धर्म की स्थापना की है। फिर चाहे उसके लिए प्रभु को राज सिंहासन छोड़कर 14 सालों का कठिन वनवास से भरा जीवन ही क्यों ना जीना पड़े। अब मित्रों, ऐसे में इस वनवास के दौरान हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनका उद्धार प्रभु राम ने किया। अब वो महिलाएं कौन थी, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, प्रभु राम ने धर्म के लिए देवी जानकी तक त्याग कर दिया था। वो कभी भी अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटे, इसीलिए संसार में उनका नाम एक आदर्श के तौर पर याद किया जाता है। आपने भी प्राचीन काल में देखा होगा कि हमारे प्रभु व राजा एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देवी सीता को ये वचन दिया था कि वो माता के अलावा किसी भी अन्य स्त्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ प्रभु राम ने हमेशा सभी महिलाओं का माता, बहन या पुत्री के रूप में सम्मान दिया और उन्हें उनका सही स्थान दिलवाया। अब वो महिलाएं कौन थी, आइए जानते हैं। अब मित्रों, उनकी भेंट ऐसी कई महिलाओं से हुई जिनमें से कोई श्राप के चलते अपने जीवन में कष्ट सह रही थी, तो किसी के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन प्रभु राम की कृपा से उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है देवी अहिल्या का, जिनका उद्धार राम जी ने किया था। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में एक कुटिया में रहती। वो बहुत ही सुंदर व सुशील महिला थी, इसी कारण स्वर्ग के राजा इंद्र उन पर मोहित हो गए। फिर एक दिन जब ऋषिवर स्नान करने गए तो पीछे से इंद्रदेव ने उनका रूप धारण कर देवी अहिल्या के साथ दुराचार किया। वहीं जब देवराज वापस जा रहे थे तो उन्हें ऋषि गौतम ने देख लिया और ये देख ऋषि ने क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के चलते कई सालों तक पत्थर की मूर्ति बनी रही। फिर जब प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र और भ्राता लक्ष्मण के साथ उस वन में आए तो उन्होंने देवी अहिल्या को देखा। फिर गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके परिणाम स्वरूप देवी अहिल्या को फिर से अपना नारी रूप मिला। और मित्रों, इस तरह कई सालों बाद देवी अहिल्या का उद्धार संभव हो सका। राक्षसी ताड़का का वध, मित्रों, बुरी प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनको स्वतंत्र करना भी धर्म का ही एक हिस्सा है। ताड़का पहले एक बहुत सुंदर स्त्री थी, लेकिन ऋषि अगस्त द्वारा दिए गए श्राप के चलते वो एक कुरूप राक्षसी में बदल गई, जो नरभक्षी थी। अब जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते और दिव्य अस्त्रों का निर्माण करते थे, वहाँ राक्षसी ताड़का का कहर काफी बढ़ गया, जिसके चलते ऋषि विश्वामित्र के धर्म कार्यों में रुकावट उत्पन्न होने लगी। इसके बाद ताड़का का वध करने के उद्देश्य से महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र राम जी को अपने साथ लेकर गए। प्रभु राम शुरुआत में तो राक्षसी का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि धर्म के अनुसार स्त्री हत्या को पाप माना गया है, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के आदेशानुसार उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध करके उसका उद्धार किया। राम शबरी मिलन, मित्रों, आप लोगों ने अक्सर रामायण में शबरी नाम की स्त्री के बारे में भी सुना होगा। वो एक आदिवासी महिला थी जिसके मन में प्रभु राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा जाग उठी थी। उनके गुरु ने आखिरी समय में बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं प्रभु राम आएंगे, जो उसे आजाद करेंगे। इसी आस में वो हर दिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती और नए नए फूलों से कुटिया के मार्ग को सजाती, साथ ही वो प्रभु के लिए फल भी इकट्ठा करती। मित्रों, प्रभु राम की प्रतीक्षा में ही शबरी ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और फिर आखिर में जब प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता जानकी की खोज में वहाँ आए, तब उन्होंने उस जंगल के सभी विद्वानों के आश्रमों को छोड़ शबरी की इस कुटिया को चुना और उसके दिए हुए जूठे बेर खाए। प्रभु राम ने मन ही मन शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वानरी तारा का उद्धार, मित्रों, वानरी तारा किष्किंधा के वानर राजा बाली की पत्नी थी, जिसका वध प्रभु राम ने अपने सखा सुग्रीव के लिए किया। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा घोषित किया गया। अब चूंकि बाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, इसीलिए उसके मरने के बाद तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया। तारा और किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहाँ स्त्री का दोबारा विवाह हो सकता था, और प्रभु राम ने तारा की बुद्धिमता से खुश होकर उसे राजा सुग्रीव की पत्नी घोषित कर दिया और एक बार फिर उसे किष्किंधा की महारानी बना दिया। मंदोदरी विभीषण का विवाह, मंदोदरी लंकापति रावण की पत्नी थी। जब प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया, तब मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और अपने पति पुत्रों की मृत्यु को देख बहुत व्याकुल हो उठी। वो दुष्ट दशानन की पत्नी तो थी, लेकिन वो श्रीहरि की भक्त भी थी। उसने हमेशा ही रावण को सही रास्ते पर चलाने के प्रयास किए और माता जानकी का आदर भी किया। मित्रों, बता दें कि उस दौर में विधवाओं के पुनः विवाह की परंपरा नहीं थी, लेकिन प्रभु राम ने विभीषण को लंका का महाराजा घोषित करने के बाद उन्हें मंदोदरी से विवाह करने के लिए कहा। प्रभु राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ शादी की, जिसके बाद उन्हें पुनः लंका की महारानी का आदर प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आज हमने जाना कि भगवान राम ने अपने जीवन में किन 5 महिलाओं का उद्धार किया था। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।